एक समय की बात है, चंड मुंड के मृत्यु का समाचार जब रक्त बीज को प्राप्त होता है तब वह क्रोधित हो जाता है और बदला लेने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचता है, परंतु माँ पार्वती को देखकर उन पर मोहित हो जाता है और उनके सामने यह प्रस्ताव रखता है, मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। मौन हो जाओ मूर्ख और यहाँ से लौट जाओ। मूर्ख स्त्री, मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लो, राज करोगी राज। तब देवी पार्वती क्रोधित हो जाती हैं और रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार करती हैं। परिणाम स्वरूप रक्त बीज के शरीर से रक्त टपकने लगता है और अनेकों रक्त बीज का जन्म हो जाता है। रक्त बीज को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि जब भी उसके रक्त की बूंद भूमि पर गिरेगी तब उससे और भी रक्त बीज का जन्म हो जाएगा। यह देख देवी पार्वती कुपित हो जाती हैं और उनका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच जाता है। उनका शरीर देखते ही देखते काला पड़ जाता है और आंखें खून से लाल हो जाती हैं। देवी एक भयंकर रूप धारण कर लेती हैं। नर मुंडों की माला पहने हुए महाकाली प्रकट होती हैं। महाकाली रक्त बीज की तरफ आगे बढ़ती हैं और उस पर एक शक्तिशाली प्रहार करती हैं, परंतु रक्त भूमि पर गिरते ही फिर रक्त बीज का जन्म हो जाता है। यह देख महाकाली एक हाथ से रक्त बीज के सर को पकड़ती हैं और दूसरे हाथ से शक्तिशाली प्रहार करती हैं। सभी रक्त को खप्पर में भर कर रक्त को पीने लगती हैं। इस तरह से सभी रक्त को पी जाती हैं और रक्त बीज का अंत हो जाता है।